Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कोई भी व्हाट्सएप बोट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब से पहले क्या होता था कि हीरोक्यू पर बोट क्रिएट होता था, लेकिन हीरोक्यू कब तक चल पाएगा? अच्छा 2-3 दिन, उसके बाद हीरोक्यू बैन हो जाता है। तब ये बोट डिप्लॉय करने का दूसरा मेथड है, जिससे ना ही आपका कभी बोट स्टॉप होगा और ना ही कभी आपका अकाउंट बैन होगा। बोट डिप्लॉय करने से पहले बोट के फीचर देख लो क्या क्या है, जैसे कि अलवेज ऑनलाइन है, ऑटो रिएक्ट है, ऑटो बायो है, ऑटो रीड चैट है, ऑटो बीजीएम है, पब्लिक प्राइवेट मोड है, 7 नंबर पर इनबॉक्स ब्लॉकर, कॉल ब्लॉकर, ऑटो स्टेटस व्यू है, चैट बोट है, पर्सनल का अलग है, ग्रुप का अलग, और सभी प्लगइन हैं जितनी भी हम कुछ। मेरे ख्याल से इस बोट में सब फीचर हैं जो एक बोट में होने चाहिए, जैसे ऑटो स्टेटस व्यू हो गया, अलवेज ऑनलाइन, यही दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो बोट इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले इनरल बोट एमडी क्रोम पे सर्च करना है। क्रोम पे सर्च करने के बाद ये इनरल ऑफिशियल इस तरीके से इंटरफेस होगा, तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप सर्च करके भी मंगवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको इस रिपो को फोर्क करना है। फोर्क करने के लिए नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप लिख रहे हैं क्लिक हेयर टू फोर्क, तो मेरे पहले से फोर्क है, तो आपके मारे होगा क्रिएट हेयर टू फोर्क। तो सबसे पहले तो आपका गिटहब का अकाउंट होना चाहिए, तब आप फोर्क कर पाओगे। तो वो कैसे बनाना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ऊपर आई बटन में भी आपको शो कर जाएगा। तो पहले गिटहब का अकाउंट क्रिएट कर लेना। क्रिएट करने के लिए बैक आना है, फिर से बैक आने के बाद अब हमको इसको स्कैन कर लेना है, तो क्लिक हेयर टू स्कैन, ठीक है। सेक्शन आई डी की जरूरत है, तो यहाँ पे दो मेथड हैं स्कैन करने के, आपको जिससे आपके QR कोड आता है उससे आप स्कैन कर लेना। तो सिंपल मैं पहले वाले पे टैप कर लेता हूँ। टैप करने के बाद हमें QR कोड होगा, अब हमको ये स्कैन उस व्हाट्सएप से करना है जिस पर हमें बोट लगाना है। तो मैं व्हाट्सएप ओपन कर लेता हूँ। तो व्हाट्सएप ओपन करके 3 डॉट पर क्लिक करूँगा। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद लिंक टू डिवाइस पर क्लिक करके लिंक डिवाइस पर क्लिक करेंगे। अब इसमें दूसरे फ़ोन की ज़रूरत पड़ने वाली है, जैसे मैंने दूसरा फ़ोन ले लिया, उस पर मैं QR कोड शो करूँगा और इस वाले व्हाट्सएप से स्कैन करूँगा। आपको भी दो फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो जिससे स्कैन करना है और एक जिसमें QR कोड शो होगा, ठीक है। तो ये लॉगिन हो रहा है। लॉगिन होने के बाद आपको आपके ही नंबर से एक सेक्शन रिसीव होगा, ठीक है। सबसे पहले जो है ये हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो मैं लिख लेता हूँ सेक्शन आई डी एरियल, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है बाद में। तो अब इसके बाद हमें सिंपल अब हमें रेलवे का अकाउंट क्रिएट करना है। तो क्रोम ऐप पर आएंगे, ऊपर सर्च करेंगे railway.app /new। अब इतना सर्च करना कि रेलवे, इससे तो सिर्फ इंडियन रेलवे टिकट बुक करने का ही आएगा, तो आपको सिंपल यही लगना है। इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इतना सर्च करने के बाद इस तरीके से हमें कुछ इंटरफेस होगा। तो हमें सिंपल सबसे ऊपर 3 डॉट दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे हमको दिखाई देगा लॉगिन का, तो लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। अब लॉगिन करने के लिए गिटहब पे क्लिक कर देंगे। अब एक ही रिक्वायरमेंट है इस ऐप की कि आपका अकाउंट जो है गिटहब का वो 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा लॉगिन करने का तरीका क्या है, फिर से railway.app/login इतना सर्च कर देंगे, फिर से हमें वही इंटरफेस होगा। आप किसी भी मेथड से लॉगिन कर सकते हैं। तो रेलवे में साइनअप की यही एक रिक्वायरमेंट है कि हमारे गिटहब का अकाउंट 6 मंथ पुराना होना चाहिए। तो मैंने सिंपल गिटहब पे क्लिक करा, तो ये ऑटोमेटिक आपका रेलवे से कनेक्ट हो चुका है, मतलब हमारा रेलवे पे अकाउंट बन गया है। तब हम फिर से सिंपल क्रोम पर लिखेंगे इनरल बोट MD, फिर से हमको वहीं रिपो पर जाना है जो पहले जहाँ पर पहले गए थे। इसमें आप जा सकते हैं, इसमें प्लगइन भी आप ऊपर से पा सकते हैं, ठीक है, जो इंस्टॉल करनी हो। हमने फोर्क कर लिया बोट को, स्कैन कर लिया, अब हमारा इम्पोर्टेंट काम है डिप्लॉय करने का। तो यहाँ पे डिप्लॉय टू रेलवे, इस पर सिंपल टैप कर देंगे। टैप करने के बाद जो भी ये अलाउ या परमिशन मांगेगा वो हम सबको अलाउ करते जाना है। इसे परमिशन मांगे तो उस पर क्लिक कर देंगे। अब नीचे सिर्फ हमको अपनी ओनली सिलेक्ट रिपो, इस पर क्लिक करके सिर्फ एक ही रिपो सिलेक्ट करनी है। सर्च करेंगे इनरल, इतने में हमारी आ जाएगी गिटहब इनरल बोट MD, ठीक है, जो भी हमारा गिटहब का यूजर नाम था। और नीचे इंस्टॉल एंड ऑथोराइजिंग, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये हमें रिडायरेक्ट फिर से रेलवे पे करेगा, तो वेट कर लेते हैं। यहाँ पर अब आपको अपनी रिपो को कोई भी नाम लिख देना है, ठीक है। मैं कोई भी नाम लिख देता हूँ, इसमें PP और लिख देता हूँ।
आप भी कुछ भी नाम लिख देना जो अलाउ हो। अब यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है कि सेक्शन आईडी डालो, ठीक है। तो फिर व्हाट्सएप पर जाएंगे, यहाँ से सेक्शन आईडी को कॉपी कर लेते हैं। जो हमारे ऊपर रियल वाली सेक्शन आईडी थी उसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद क्रोम पे पेस्ट। सिर्फ यहाँ पे सेक्शन आईडी ही की वैल्यू हमें पुट करनी है, बाकी आप चेक कर सकते हो नीचे भी वैल्यू है, ठीक है। डेवलो का बटन आ रहा है सीधा, लेकिन मैं वैल्यू दिखा देता हूँ, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। लेकिन मैं आपको क्या रिक्वायरमेंट करूँगा कि आप बोर्ड को पहले डेवलो कर लो, उसके बाद में ये सब चेंज करना। तो मैं डेवलो पे क्लिक कर दूँगा। डेवलो पे क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक डेवलो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें यहाँ से 3 से 4 मिनट का वेट कर लेंगे। इसमें आपको कोई भी लॉक्स देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 से 4 मिनट का वेट करना है। इंस्टॉल होगा, बिल्डिंग होगी, फिर इसके बाद ये डेवलपिंग पूरा हो जाएगा और उसके बाद ये बोर्ड हमारा सक्सेस हो जाएगा। तो रेलवे में अकाउंट बनाने की सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है कि हमारा जो गिटहब का अकाउंट है वो 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो तो मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। इस पर आपका रेलवे का अकाउंट तो बैन होगा नहीं, लेकिन ये आपको बोर्ड वर्क कब तक करेगा वो आगे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आगे तक देखते रहो। उसके बाद ये हमारा सक्सेस हो चुका है, यानी कि हमारा बोर्ड इंस्टॉल हो चुका है कम्प्लीटली। तो हमें हमारे नंबर से मैसेज आया होगा बोर्ड वर्किंग नाउ, ठीक है। हमारा बोर्ड स्टार्ट हो गया है। अब आप सब कमांड जानते हैं, मेन्यू, डॉट मेन्यू या डॉट लिस्ट जो भी है। अब मैं आपको और चीज़ें चेंज करना सिखा देता हूँ कि ऑलवेज ऑनलाइन कैसे करेंगे, वोट स्टार्ट से व्यू कैसे ऑन करना है। तो सिंपल हमें टाइप करना है डॉट गेट बार, इतना सेंड कर देंगे। इतना सर्च करने के बाद ये बोर्ड की जितनी भी वेरिएबल थी वो सब आ चुकी हैं। आप ऊपर से क्लिक करके चेक कर सकते हो, ऑलवेज ऑनलाइन हो गया, रिएक्ट, ट्विटर पे क्या मैसेज होना चाहिए, बॉन अकाउंट हो गया, लाइव डाटा, सेंडर, ऑटो बायो, वेट चैट, इस तरीके से ऑटो म्यूट ग्रुप मैसेज, ठीक है। पीएम ब्लॉकर हो गया, फाल्स ट्रू, प्रीफिक्स हो गया, वेलकम मैसेज। अब इसको चेंज कैसे करना है, तो गेट सेट बार स्पेस, अब हमको एक वैल्यू पुट करनी है, जैसे कि मैं एक ले लेता हूँ, ऑटो बायो ले लेता हूँ, फाइल साइज समय। तो जैसे ऊपर लिखा है कैपिटल में लिखेंगे ऑटो स्लैश बायो स्पेस देंगे, फिर इज इक्वल टू का चेंज स्पेस और वैल्यू पुट कर देंगे ट्रू। अब ये हमको लिखना है स्मॉल लेटर में ट्रू या फाइल्स, ठीक है। उसके बाद ये हमारा सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। तो मैं एक और भी चेंज करके दिखा देता हूँ। अब जितनी भी कमांड है ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी आपको चाहिए वो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो मैं और लिखता हूँ सेट बार स्लैश, जैसे वर्क टाइप इस समय प्राइवेट है तो मुझको ये करना है पब्लिक, तो मैं लिखूँगा सेट बार पब्लिक वर्क टाइप इजिकल टू, उसके बाद वैल्यू पुट करूँगा ट्रू, ट्रू नहीं पब्लिक, ठीक है। पब्लिक लिखेंगे स्मॉल लेटर में और ये मैसेज सेंड कर देंगे। तो ये हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद जैसे एक और ले लेते हैं स्टेटस व्यू, मेरा पहले से ये ट्रू है लेकिन शायद आपको फॉल्स है, तो आप क्या करना सेट बार स्पेस जैसे ऊपर लिखा है स्टेटस व्यू बराबर का चिन्ह लगाएंगे उसके बाद, और इसमें हमको अपनी वैल्यू फिट करनी है ट्रू या फॉल्स में। तो सिंपल हमें ट्रू ही चाहिए, ओटे स्टेटस व्यू चाहिए, ट्रू लिख देंगे टेन सेंड, ठीक है। इतना सब सक्सेसफुल हो चुके हैं। सब मैसेज अभी बोला है ट्राई डॉट रिस्टार्ट टू रिस्टार्ट द बोर्ड। तो हमें क्या करना है, बोर्ड को रिस्टार्ट करना है। दो तरीके हैं, एक तो सिंपल हम लिख लेंगे डॉट रीस्टार्ट एंड मैसेज सेंड कर देंगे, और दूसरा तरीका है कि क्रोम पे जाएं वहां से रिस्टार्ट कर लें। बाकी मैं बता देता हूं मैंने ऑटो बायो जो था ट्रू किया था, उससे क्या होता है, तो सेटिंग में जाएंगे। अब हमारा बायो होता है जैसे कि इस समय फ्राइडे 19 मई 2023, इस तरीके से टाइम भी दिखा रहा है 8:45, ठीक है। अब मेरा आप ऊपर भी टाइम देख सकते हैं, ऊपर फेंके लेकिन मैं स्क्रॉल करूँगा तो रियल वाला टाइम आएगा। तो ऊपर देख सकते हैं जैसे कि 8:46 हो रहा है, तो ये आपका जो भी बायो होगा वो ऑटोमेटिक हर 10 सेकंड में या 20 सेकंड में चेंज होता रहेगा। बाकी ये बोर्ड सपोर्ट ग्रुप है, इसका लिंक नहीं तो आपको मेरा नंबर मिलेगा, आप वहाँ से मुझसे पहुँच सकते हैं कि ग्रुप के लिंक लें कि बोर्ड करूँ लिंक सेंड, तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगा। बाकी इसमें बहुत सारे बोर्ड एक्टिव रहते हैं, देख सकते हैं बहुत सारे बोर्ड एक्टिव हैं, सबने रिप्लाई कर दिया है। तो अब इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि बोर्ड हमारा कब तक वर्क करेगा, और अगर ये बोर्ड कभी स्टॉप हो जाए तो फिर उसे दोबारा से स्टार्ट कैसे करना है। तो सिंपल हमें क्रोम पाएंगे, क्रोम पाने के बाद कुछ इस तरीके से
सक्सेस वाले ऑप्शन पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हमें 2 वैल्यू शो हो रही हैं, एक रिस्टार्ट और एक रीडेप्लॉय। तो आप दोनों पर से किसी पर भी क्लिक करेंगे तो आपका बोट स्टार्ट हो जाएगा। दूसरे नंबर बोट कब तक चलेगा, तो ऊपर रेलवे का लोगो है उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद ऊपर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद अकाउंट पे, अकाउंट के बाद यूज पे। तो ये हमें रेलवे जो है वो $5 पर मंथ देता है, यानी कि 500 आवर, यानी कि हमारा बोट जो चलता है वो एक मंथ में 20 दिन तक बोट चलता है। उसके बाद ही अगले महीने फिर से स्टार्ट हो जाता है, यानी हर महीने आपका बोट 20 दिन चलेगा। अगर ये आपके फ्री के हवर ख़त्म हो जाते हैं, अगर आपको बोट फिर से स्टार्ट करना है, तो बस आप एक ही काम कर सकते हो कि रेलवे का अकाउंट डिलीट करो और फिर से लॉगिन करके पूरा बोट फिर से डब्ल कर लो, वरना आपको 10 दिन का वेट करना पड़ेगा अगले महीने का। कभी कभी ऐसा होता है किसी रीज़न से हमारा जो बोट होता है वो लॉग आउट हो जाता है, तो उस समय हमें पूरा डब्ल थोड़ी नहीं करना है। हम क्या करेंगे, सिंपल रेलवे पाएंगे, पहला वाला ऑप्शन है मतलब जो हमारा बोट का है प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे, नीचे इनरल बोट इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमें वेरिएबल पर जाना है, तो आप यहाँ से भी अपनी जो भी बोट की वेरिएबल थी वो सब चेंज कर सकते हैं, ठीक है, एक एक करके ट्रू फॉल्स। दूसरे नंबर पर हमें बोट के सिर्फ स्कैन करेंगे अगर बोट का भी लॉग आउट हो जाता है, और यहाँ पर आके सिर्फ हमको न्यू वाला सेक्शन पेस्ट कर देंगे, ठीक है। आपको सिर्फ इतना ही काम करना है। जितनी भी वीडियो में इंपॉर्टेंट लिंक्स थी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जैसे गिटहब लिंक, ग्रुप का लिंक और व्हाट्सअप नंबर। बाकी बोट अप्लाई करते हुए कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो वो सब कमेंट में बता देना, और वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया तो आपको ऊपर एक सब्सक्राइब का शो कर रहा होगा और दूसरा फुल स्क्रीन DP लगाने का, तो ये दोनों काम भी कर लो। तब तक के लिए बाय बाय। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।